नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोगों के साथ। आइए नजर डालते हैं सांसद हनुमान बेनीवाल पर हुए हमले की ओर। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने सांसद हनुमान बेनीवाल पर हुए हमले को लेकर निंदा करते हुए कहा कि पुलिस और प्रशासन को सतर्कता से कार्य करने की आवश्यकता है। नागौर सांसद एवं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल पर हुए हमले की डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने निंदा की है। डिप्टी सीएम पायलट ने शुक्रवार को कहा कि जनप्रतिनिधियों ने ऊपर हमला कर लोकतंत्र में चिंता का विषय है। पायलट ने कहा है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए संयुक्त प्रयास करने होंगे, जिसमें पुलिस और प्रशासन को विशेष जिम्मेदारी एवं सतर्कता से कार्य करने की जरूरत है। सांसद हनुमान बेनीवाल पर हुए हमले पर चिंता जताते हुए पायलट ने कहा है कि राजनीति दुश्मनी को व्यक्तिगत दुश्मनी में बदलना दुर्भाग्यपूर्ण है। डिप्टी सीएम ने इस मामले में दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही। वहीं सचिन पायलट ने पंचायत चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया दोहराते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है, उसके दिशा निर्देशों की पालना की जा रही है। पायलट ने मंत्री विश्वेंद्र सिंह के विवाद पर कहा है कि सभी जनप्रतिनिधियों को उचित प्रतिनिधित्व मिलना जरूरी है। आइए आपको पूरे मामले की जानकारी देते हैं। बेनीवाल समर्थकों ने अब आरोपी की धुनाई कर दी थी। उल्लेखनीय है कि नागौर से सांसद एवं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल पर बाड़मेर में गुरुवार को चाकू से हमले की नाकाम कोशिश का मामला सामने आया था। सांसद हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाया कि खड़थाराम बाना ने उन पर चाकू से हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन समर्थकों ने घरतराम को मौके पर ही पकड़ लिया और उसकी धुनाई कर डाली। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने खड़थाराम को भीड़ से छुड़वाकर अपनी हिरासत में ले लिया था। कल जो हमला हुआ नागौर सांसद के ऊपर, हनुमान बेनीवाल जी के ऊपर, वो निंदनीय है। सभ्य समाज में, लोकतंत्र में किसी प्रकार की हिंसा को कोई जगह दे, ये हम एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिसने भी ऐसा काम किया उस पर उचित कार्रवाई पुलिस कर रही होगी। राजनीति में विरोध हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस प्रकार का हमला किसी पर कोई करे और हिंसा को अंजाम दे, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए था और भविष्य में ऐसा ना हो, ये पुनरावृत्ति ना हो, इसकी जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। लेकिन इस प्रकार का जो नेताओं पे या किसी निर्वाचित सांसद के ऊपर अगर कोई आक्रमण करता है, हमला करता है, तो उसको सब लोगों को मिलकर उसकी निंदा करनी चाहिए और ऐसे तत्वों से भी सावधान रहना पड़ेगा कि हमारे प्रदेश में अलग अलग विचार हैं, अलग अलग पार्टियां, अलग अलग दल हैं, अलग अलग सोच भी है और कई मुद्दों पर हमारे मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन इस प्रकार कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी जनप्रतिनिधि को अटैक करता है तो उसकी मैं तो निंदा करता ही हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम सब संज्ञान लें, पुलिस प्रशासन संज्ञान ले कि सभी जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा पुख्ता की जाए और भविष्य में इस प्रकार की घटना दोबारा न करे, इस पर हम लोगों को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।